आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। ये गोश्त मैंने रख दिया था प्याज लहसुन अदरक टमाटर सारे मसाले डाल के पकने के लिए। और ये देखिए ना इजी रहता है, मोटे मोटे चार पीस करके मैं डाल देती हूँ टमाटरों के, एक टमाटर के चार पीस। और ये फिर इसकी स्किन उतर जाती है आराम से निकल आती है। बनाना तो मैंने आलू गोश्त था, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है आलू डले हुए, तो फिर मैंने खाली गोश्त ही बना लिया। मतलब उसको तो पसंद नहीं है तो खाली गोश्त बनेगा। और शोरबा इसलिए किया है कि वो बहुत शौक से खाता है बॉयल्ड राइस के साथ गोश्त शोरबे में बना हुआ, तो फिर मैंने शोरबा किया गोश्त का और आलू नहीं डाले, और साथ मैंने फिर ये चावल उबाल लिए। बालकनी में आई हूँ इनको पानी देने के लिए। वैसे तो ठंड हो गई है, इसमें ज़रूरत नहीं है इनकी पानी की, लेकिन अभी इनके ऊपर फल लगा हुआ है काफ़ी। ये देखिए अभी कितने टमाटर लगे हुए हैं, मुझे है कि बस अब ये फटाफट पक जाएं ताकि मैं इन्हें उतार सकूं। देखिए ऊपर तक लगे हुए हैं, और इधर शिमला मिर्चें ढेरों ढेर लगी हुई हैं। ये है भाई का मौसम, सब ये आखिरी फूल हैं जो कि निकल रहे हैं। ये बेल भी देखिए बिल्कुल खुश्क होनी शुरू हो गई है, इस पर बस एक अब खीरा लगा हुआ है छोटा सा, वो भी ये है। मैं इस वक्त बना रही हूँ दो तीन चीज़ें। ये मैंने करेले प्याज वाले बनाने हैं, ये करेले उसका सामान तैयार किया है, मतलब तो फ्राई कर लिया है प्याज अदरक टमाटर मसाले मसूले डाल के ये फ्राई कर लिया है। और इधर मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, बन चुका है बोनलेस चिकन है, और बीच में हरी प्याज है और शिमला मिर्च है येलो और ग्रीन दोनों वाली, तो ये उसके लिए मैंने बना दिया है। बेटी भी खा लेगी, वो भी खा लेगा। और इधर ये करेलों का सामान तैयार हो रहा है, और इधर ब्राउन राइस दम पे रखते हैं। और जो करेले हैं वो हैं ये छोटे ओवन में, थोड़ा सा आपको खोल के दिखाती हूँ, वो मैं ग्रिल करके बनाती हूँ, फ्राई नहीं करती करेले, इसलिए वो ग्रिल ओवन में। तो बस ये सामान बन रहा है, और ये मेरे बर्तन हैं जो कि मैं अभी धोने लगी हूँ। और इधर मैंने अपनी शाम की चाय के लिए पानी रख दिया है, चाय बनाऊंगी, जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर में मैं ये जो थोड़े से बर्तन हैं इनको फटाफट धो लूँगी। ये हैं जी मेरे ग्रिल हुए हुए करेले, बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं करती, बस ड्राई हो जाए इस तरह। और अब इनको मैं इसमें डाल दूँगी, सारे नहीं डालूँगी, मैंने इकट्ठे ग्रिल कर लिए हैं, और बाकी एक छोटे से कंटेनर में डाल के तो मैं रख दूँगी।
जब दोबारा बनाने होंगे तो फिर बस इसी तरह प्याज टमाटर अदरक वगैरह का बना के मसाला और इसको डाल के तो मैं दम दे देती हूँ। इतने मज़े के बनते हैं ना, बस अब इसको हल्की आग पे मैंने ढक के तो दम दे देना, तो ये मज़ेदार से प्याज वाले करेले तैयार हो जाएंगे हमारे। मेरे हस्बैंड को असल में ऑयल नहीं वो ज़्यादा यूज़ कर सकते, उनको मसला है, तकलीफ़ हो जाती है ज़्यादा चिकनाई से, तो इसलिए फिर मैं ये ज़्यादातर इस तरह के काम करती हूँ जो ग्रिल कर लूँ और साथ हल्का सा ऑयल डाल के बस मसाला बना लूँ और फिर उसको दम दे दूँ। आप इस तरह भिंडियाँ भी बना सकते हैं, करेले भी बना सकते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं ड्राई ड्राई से बिल्कुल। और ये मेरी चाय, ये इधर मैंने करेले डाल के इसको दम पे रख दिया और इधर ये बर्तन भी धुल गए मेरे, वो एक सॉस पैन फिर हो गया जो मैंने अभी चाय बनाई है, लेकिन ये कि बाकी बर्तन वगैरह धुल गए हैं।